अच्छा लोग कहते महाराज जी आप कितना भी कहो सत्य की बंदगी करो सत्य की कथा सुनो किंतु ये माया पीछा नहीं छोड़ती, छोड़ती है। बोले वृंदावन भी आए तो मोबाइल थोड़ी छोड़ के घर में आए, माया तो साथ में ही चल रही है। यात्रा में भी हैं तो महाराज मोबाइल है, कॉलिंग चल रही है, एसएमएस भेजे जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, ये सब। किंतु लिखा है कि भले कितने भी माया में रहोगे यदि सत्य की बंदगी करोगे ना तो माया के बीच में रहने के बाद भी उस माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। भक्त यही तो कहते हैं यदि एक बार आप श्री ठाकुर जी के बन गए तो महाराज माया भी आपकी दासी हो जाती है। यदि आप श्री ठाकुर जी के दास बन गए तो लिखा है माया हमारी दासी बन जाती है। और श्री कृष्ण का भजन करने वालों पे तो महाराज माया को कोई असर ही ना है। वे लिखा हुआ है भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। बड़ा सुंदर श्लोक भी और उदाहरण भी दिया है। बोले जैसे बिल्ली जब चूहे पर हमला करती है तो अपने दांतों का उपयोग करती है और चूहे को मारकर खा जाती है, और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो अपने दांतों को ऐसी पकड़ बनाती है कि बच्चे को भी पकड़ लेती है और बच्चा मरता भी नहीं बिल्ली का, और वही जब हमला करती है चूहे पे तो चूहा मर जाता है। बोले ऐसे ही ठाकुर जी की माया है। जब जीव भगवान के भजन में लगता है श्री ठाकुर जी के नाम में लगता है ना तो ये माया फिर उस जीव को जो श्री ठाकुर जी का नाम गा रहा है फिर उसको ज्यादा परेशान नहीं करती, और जो दिन रात असत्य का संग कर रहा है असत्य का चिंतन कर रहा है बोले महाराज फिर बिल्ली उसके ऊपर चूहे जैसे झपट्टा मारती, माया फिर उस पर चूहे जैसे झपट्टा मारती। और यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो फिर माया हमें बिल्ली के दांत जैसे बच्चे के लिए होते ना, ज्यादा तेज नहीं पहने बस वैसे ही स्वभाव रहता माया। इसी कारण तो शास्त्र कहते हैं भक्त कहते हैं खूब ठाकुर जी का नाम गाओ।